हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डैंड्रफ मिटाने के लिए डॉक्टर कौन सा शैम्पू बोलते हैं। जी हाँ, डॉक्टर लोग केमिस्ट या टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो वाला शैम्पू नहीं, वो वाला शैम्पू मैं लाया हूँ। उस शैम्पू से आपको सर धो के दिखाऊंगा कि कैसा होता है, क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा। इस चीज को वो लोग ट्राई करें जो लोग ऑलरेडी मेरी पुरानी डैंड्रफ वाली चीजों को यूज कर चुके हैं, जैसे दही लगाना, तेल लगाना, रात को मसाज करना ऑयल से, वो सब यूज कर चुके हैं लेकिन फिर भी उन लोगों का डैंड्रफ नहीं जा रहा है। वो लोग इस चीज को ट्राई करें, इस वाले शैम्पू को लेकर आए। मैं भी उस वाले शैम्पू को लाया हूं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। वैसे तो मेरा डैंड्रफ जा चुका है लेकिन लेजी जो लोग होते हैं, जो थोड़े आलसी लोग होते हैं, जो दही नहीं लगा सकते, ऑयल प्रॉपर टाइम में नहीं कर सकते, वो इस शैम्पू को ट्राई करें। डेफिनेटली उन लोगों का डैंड्रफ जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बताते हैं शैम्पू को यूज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सलिसिया केटी, जी हाँ, ये लेकर आया हूं अपने नीचे वाली दुकान के केमिस्ट से ही। इसका रेट है 225 रुपीज। अभी मैंने खोला भी नहीं है, मैंने खोल भी इसलिए आपके सामने रहा हूं ताकि सब कुछ आपके सामने ही करूं। देखो ये रहा, इतनी छोटू सी बोतल है, इतनी छोटू सी 225 की। जब मैं केमिस्ट से लेने गया मैंने कहा अरे इतनी छोटी, थोड़ी बड़ी नहीं आती क्या? कह रहा दो ले लो। मैंने पागल है, दो ले लो। चलो मैं दिखाता हूँ कि हेड वॉश करते कैसे, ऐसे आओ। मैं अपना हेड वॉश करने वाला हूँ इससे। इसके मुझे दो तीन चीजें जो लगी मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 30 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखना है इसको, तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्रिज के अंदर रखू इसे नहाने के बाद। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एलर्जी, जहां पर एलर्जी है ना आपके सर के अंदर, कहीं पर एलर्जी हो रही हो वहां पर नहीं लगाना, ये कटफट पड़ गया एलर्जी हो रही है वहां पर नहीं लगाना इस शैम्पू को, ठीक है? तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा लिया, इतना सा रख दिया, पहले सर को ऐसे गीला कर लिया अपन लोगों ने, फिर इसको लगा दिया। लगाते लगाते डॉक्टर ने मुझे बोला कि लगाने के बाद ना इस शैम्पू को जब लगा लो उसके बाद झागवाग बन जाए पूरे अच्छे से, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है? तो आप सब 2 से 3 मिनट के लिए इसको लगाने के बाद छोड़ देना। चलो ये देखो मेरे झाग लग गए, उंगलियों से जड़ों के अंदर लगाना है शैम्पू को, ठीक है? ऐसे मसाज कर ली थोड़ी, 1 मिनट तक मसाज हर चीज में जरूरी, चाहे वो ऑयल हो, शैम्पू, खुशबू, ऐसे लगाया झाग बन गए। अब मैं अब से इस टाइम से लेकर अगले 3 मिनट तक इसे ऐसे रहने दूंगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देता हूं, जब धोऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी मैं खुशबू बता देता हूँ। खुशबू अच्छी है इसकी, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट के अंदर खुशबू आते ना, वैसी खुशबू आ रही है। और आंखों पे लगा के देखता हूँ, जलन नहीं है, जैसे आंखें बंद हो जाती ना ऐसे हो जाता है, वैसा भी फील नहीं हो रहा है मुझे। देखो थोड़ा लगा दो, नहीं जलन नहीं है, जलन नहीं हो रही है। वो लगाना कब कब है? इस शैम्पू को हफ्ते में 3 बार लगाना है, 7 दिनों के अंदर 3 बार लगाना है। और अगर जो आपके और ज्यादा पसीना आता है तो आप उसके अल्टरनेट डेज के बीच के अंदर जब ये नहीं लगा रहे तब हम कोई और शैम्पू भी लगा सकते हैं। कौन सा शैम्पू लगाना? लाइट शैम्पू लगाना, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, ऐसा जिससे के अंदर बालों के अंदर कम इफेक्ट होता है। अगर जो आपके पसीना नहीं आता है तो आप इस शैम्पू को, तो बीच में जो शैम्पू लगाना है ना वो वाला मत लगाना, सिर्फ हफ्ते में 3 बार इस शैम्पू को लगाना, दूसरा शैम्पू यूज मत करना। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपने जिम जाता हूं तो पसीने में लथपथ हो जाता हूं, तो मुझे तो लगाना ही पड़ेगा। बाकी सब लोगों की फिजिकल एक्टिविटी है या फिर उनकी जॉब है, हेलमेट पहन के बाइक से जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उन्हें रोज साफ वॉश करना है दूसरे शैम्पू से, और हफ्ते में तीन बार सिर्फ ये वाला शैम्पू यूज करना है, ठीक है? तो अब वो कहे मुझे पूरे 3 मिनट पूरे, तो मैं दोबारा हेड वॉश करने वाला हूं। दोस्तों ये हो गया मेरा हेड वॉश, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, आ जाओ तुम्हें ये भी दिखाता हूँ नहाते हुए। अबे कपड़े उतार के नहाता हूँ मैं, चलो जाओ, बाय बाय।